हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब लर्निंग इंग्लिश विद अभिलाषा मैम आज का हमारा टॉपिक है द एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं नाउ डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव वे शब्द जो किसी नाउन संज्ञा की क्वालिटी गुण बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं एग्जाम्पल हैप्पी हैप्पी यानी खुश डॉग नाउन की क्वालिटी बताता है Tired boy. Tired, थका हुआ टाय की क्वालिटी है सेवन गर्ल्स सेवन गर्ल्स की क्वालिटी है कि कितनी गर्ल्स हैं सेवन गर्ल्स हैं नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स के प्रकार एडजेक्टिव्स आर मेनली ऑफ नाइन टाइप्स मुख्य रूप से एडजेक्टिव्स नौ प्रकार के होते हैं नंबर वन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समिटी किसी वस्तु कि मात्रा या उनकी तो क्वान्टिटी बता रहा है कि कितने राइस खाए some, थोड़े राइस खाए नेक्स्ट ही हैज अलॉट ऑफ मनी ही पास है अलॉट ऑफ खूब सारी मनी धन तो अलॉट ऑफ यानी कि खूब सारा क्या दिखाता है मनी की क्वांटिटी कि कितनी मनी है खूब सारी मनी बहुत सारा पैसा नाउ नंबर टू एडजटि ऑफ क्वालिटी इट शोज द क्वालिटी ऑफ समथिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी गुण या अवगुण आदि को बताते हैं एग्जाम्पल्स डेली इज अग सिटी डेली है एक बिग बड़ी सिटी शहर तो बिग क्या है यहाँ सिटी की क्वालिटी नेक्स्ट आई हैव अ ब्लैक काओ आई हैव मेरे पास है अ एक ब्लैक काली काओ गाय तो ब्लैक क्या है काओ की क्वालिटी काओ कैसी है ब्लैक है नंबर थ्री एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ समथिंग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर किसी वस्तु या व्यक्ति की सही सही संख्या बताते हैं जैसे वन टू थ्री

दे शो ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज ऑर्डिनल ऑर्डिल किसी श्रृंखला में किसी वस्तु या व्यक्ति का सही सही क्रम बताते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड, थर्ड ए टी सी एग्जाम्पल्स माई फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज गुड मेरा पहला दिन स्कूल में अच्छा था तो फर्स्ट यहाँ पर डे नाउन का ऑर्डर बता रहा है की कौन सा डे फर्स्ट डे नेक्स्ट शी वन द सेकेंड प्राइज शी उसने वन जीता सेकेंड प्राइज तो प्राइस की यहाँ पर उसने ऑर्डर बताया है कि कौन सा प्राइस सेकंड प्राइस जीता नंबर फाइव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दे रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या बताते हैं एक संख्या में या समूह में से प्रत्येक की ओर ये इशारा करते हैं एग्जाम्पल्स एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एवरी प्रत्येक क्वेश्चन प्रश्न है इंपॉर्टेंट मतलब कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें से हर एक इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू नीदर कोई भी नहीं स्टेटमेंट कथन इज ट्रू सत्य है The कई सारे कथन हैं, जिनमें से कोई भी कथन सत्य है, नहीं है नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बताते हैं कि एग्जैक्टली exactly कौन सा पर्सन या थिंग के बारे में बात की जा रही है एग्जाम्पल दिस गर्ल इज ऑनेस्ट यह लड़की ईमानदार है तो कौन सी लड़की यह लड़की तो दिस के साथ गर्ल का प्रयोग हो रहा है इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है लेकिन उस समय दिस के बाद गर्ल का प्रयोग नहीं होता जैसे हम कहते हैं कि दिस इज एन ऑनेस्ट गर्ल तो वो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता लेकिन चूंकि दिस के बाद सीधे संज्ञा गर्ल का प्रयोग हुआ है तो ये एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है नेक्स्ट दैट बॉय इज माई ब्रदर वह लड़का है मेरा भाई तो कौन सा लड़का मेरा भाई है दैट बॉय तो दैट के बाद बॉय नाउन का प्रयोग हो रहा है इसलिए दैट एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है नेक्स्ट दीज एप्पल्स आर स्वीट ये एप्पल्स मीठे हैं कौन से एप्पल्स मीठे हैं ये एप्पल्स मीठे हैं तो दीज इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नेक्स्ट दोज बॉयज़ आर नॉटी वे बॉयज वे लड़के शरारती हैं तो यहाँ पर दोज एडजेक्टिव के बाद सीधे बॉयज़ नाउन का प्रयोग हो रहा है इसलिए दोज एडजेक्टिव है वन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, दे आस्क अ नाउन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले प्रयोग में आते हैं और वे कोई क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल हु पेन इज़ दिस हु किसका पेन पेन इज दिस यह है तो हुज क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस यह पेन किसका है नेक्स्ट विच बुक इज योर्स विच कौन सी बुक किताब इज योर्स तुम्हारी है तो विच क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बुक तुम्हारी है इसलिए विच और हो दोनों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं नंबर एट प्रॉपर एडजेक्टिव दे आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एंड क्वालिफाई अनादर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं हम नाउन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होती हैं किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का विशेष नाम तो इनसे बनने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं एग्जाम्पल्स नंबर वन आई सॉ एन अमेरिकन स्कूल मैंने देखा एक अमेरिकन स्कूल तो अमेरिकन स्कूल अमेरिका नाउन से बना है इसलिए ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है नेक्स्ट शी लव्स इंडियन फूड उसे बहुत पसंद है इंडियन फूड इंडियन बना है इंडिया से जो एक प्रॉपर नाउन है तो इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है इन सेंटेंसेज में अमेरिकन स्कूल की क्वालिटी बताता है एंड इंडियन फूड की क्वालिटी बताता है नंबर नाइन इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स दे डो नॉट शो दंबर ऑफ थिंग बट वेगलीटेड इन एड्जेक्टिव कुछ व्यक्ति या वस्तुओं की सही सही संख्या नहीं बताते लेकिन उसकी ओर इशारा करते हैं एग्जाम्पल्स सम बॉयज वार्केट सम कुछ बॉयज लड़के वेंट गए टू द मार्केट तो सम यहाँ पर बॉयज की सही सही संख्या नहीं बताता लेकिन उसकी ओर इशारा करता है की कुछ लड़के मार्केट गए नेक्स्ट I need a few days leave. I need मुझे चाहिए a few कुछ days दिनों की leave छुट्टी तो यहाँ पर a few days की सही सही संख्या नहीं बताता लेकिन उसकी ओर indicate करता है कि कुछ दिन की छुट्टी चाहिए So friends, आज हमने जो कुछ भी सीखा है चलिए उसे test करते हैं Fill so in the blanks with suitable adjectives. खाली स्थानों में उचित विशेषण भरिए नंबर वन द ब्रेव मैन हेट्स अ डैश फेलो इसमें आपको हिंट्स भी दिए गए हैं जो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं वे एडजेक्टिव हैं और उनके ऑपोजिट एडजेक्टिव्स ही आपको आंसर्स में भरने हैं नंबर टू मैंगो इज स्वीट बट अ इज डैश थ्री द पेंसिल वॉज नॉट शार्प इट वॉज डैश नंबर फोर पोलाइट पर्सन नेवर गिव्स अ डैश रिप्लाई नंबर फाइव

Learning English with Abhilasha Ma'am on YouTube. That's all for today. See you next time.